नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए समर्पित है। आज की इस वीडियो में हम इस राशि की महिलाओं के गुण, दोष, आचार विचार, रूप रंग और उन कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें इन महिलाओं को गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इनके परिवार का विनाश तो निश्चित है ही, साथ ही इनके पारिवारिक जीवन में, इनके भविष्य में भी ग्रह दोष लग सकते हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है और हर एक महिला को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। ये वीडियो कई लोगों के जीवन को भी बदलेगा व कई महिलाओं की पोल भी खोलने वाला है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपसे निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। किसी भी महिला या फिर पुरुष का व्यवहार राशि के अनुसार होता है, क्योंकि उनका स्वभाव राशि पर ही निर्भर करता है। इसीलिए यदि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझना हो तो सबसे पहले उसकी राशि को समझ लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर राशि का स्वभाव भिन्न होता है और उसी के अनुसार हम राशि के महिलाओं के स्वभाव का भी भिन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी राशि की महिलाओं के स्वभाव विशेषता का अध्ययन करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो दोस्तों आपको बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे फिर से कह रहे हैं, ये जानकारी आपको दोबारा शायद कभी ना मिले, इसलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए पूरे तैयार हो जाइए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी हमारे कष्टों को दूर करो, हमारे घर में आपका स्वागत है अवश्य लिखें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, आपकी राशि की जो स्त्रियाँ होती हैं वो सदैव न्याय का पक्ष लेने में आगे रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इनके ऊपर दबाव डालकर इनसे कुछ झूठ बुलवा भी दिया जाए तो दोस्तों ये कभी झुकती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि महिलाएं किसी भी राशि की हो, उन्हें कभी भी झुकना भी नहीं चाहिए यदि बात सत्य के लिए हो। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपके आसपास लोग जो हैं वो आपको बदलने का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको सदैव न्याय की तरफ ही बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके साथ ही साथ बता दें कि आपका एक और स्वभाव के बारे में, दोस्तों आपकी स्त्रियां बहुत ही बड़ी कला प्रेमी हैं। अपने जीवन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये कला के क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। संगीत में इनकी बहुत कुछ ज़्यादा ही रुचि देखने को मिलती है। ये गाती भी बहुत अच्छा हैं, हालांकि आवाज़ इतनी अच्छी ना हो, लेकिन सुरताल का इन्हें भली भांति से ज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, इसके बता दें कि स्थिति यदि देखें तो दोस्तों ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ऐसी जातिकाएँ कला क्षेत्रों में विशेष रुचि प्राप्त करती हैं जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। इसके साथ बता दें, ये बहुत ही चालाक स्वभाव की होती हैं। इन्हें आसानी से कोई फंसा नहीं सकता है, अपनी बातों में उलझा नहीं सकता है। याद रखें कि ऐसी स्त्रियाँ ढोंग और पाखंड से सदैव दूर रहती हैं। ये सदैव अपने आसपास के लोगों को कुरीतियों और गलत प्रथाओं से दूर करने का कहीं ना कहीं प्रयास करती हैं। सादा जीवन और उच्च विचार इनके अंदर साफ देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको वस्त्र पहनने का बहुत शौक है। देखिए, ये केवल आपकी राशि की स्त्री की बात नहीं है, सभी राशियों की स्त्रियों को वस्त्र का शौक अत्यधिक होता है। लेकिन क्या बेस्ट है उनके लिए, क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये आपकी राशि से जातकों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। सामान्यतः आपके ऊपर पुराने वस्त्र भी खूब खेलते हैं और अपने सौंदर्य का दिखावा करना इनको बिल्कुल नहीं आता है। कुछ अदाएँ होती हैं इनकी, लेकिन दिखावे वाली बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें कि ये भली भांति जानती हैं कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है और कैसा दिखा दिया है कि दोस्तों इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि यदि इनके अंदर ये प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन ये किसी न किसी तरह से बात पता तो लगा ही लेती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक दुर्गुण और पाया जाता है कि ये झूठ बड़ी ही आसानी से बोल देती हैं। ये दोस्तों थोड़ी सी गलत बात है, यानी कि थोड़ा सा दुर्गुण है ये दोस्तों। परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती हैं,
और इसी चक्कर में ये असली बात में कहीं ना कहीं झूठ की मिलावट भी कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है, बहुत कोमल होता है। ये किसी भी कार्य को बहुत अधिक परिश्रम के साथ में करने की इच्छा रखती हैं और ये इस हद तक मेहनत करती हैं कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम और मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी कभी कभार ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी इस महिलाओं के गुण और कुछ दोषों के बारे में। तो चलिए अब मानते हैं कि कौन से हैं वो 10 कार्य जो किसी भी महिला को भूल कर नहीं करने चाहिए, ना ही वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, माँ लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं और घर का विनाश शुरू हो जाता है। विवाह के पश्चात किसी भी महिला का व्यवहार उसके पति और परिवार के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। महिलाओं के भाग्य से जुड़कर ही उसके परिवार का या तो उत्कर्ष होता है या फिर दोस्तों कुछ अधोगति हो जाती है। भाग्य के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये भी बता दूं कि उसके घर संसार से जुड़ी हुई होती हैं और वह स्त्री के कर्म और गुण, स्त्री के कर्म गुण या फिर आचरण किसी भी परिवार की परिस्थिति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, स्त्री के कर्म और गुण जिस भी प्रकार के होते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल और उनके परिवार, पति और दोस्तों पूरे पारिवारिक जीवन पे पड़ता है। याद रखें कि सुयोग पत्नी महिला अपने पति का नसीब तो खोलती है, इसके साथ ही साथ उसके परिवार का भी कल्याण अवश्य ही करती है। शास्त्रों के अनुसार यदि स्त्री सुंदर ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन यदि उसमें सद्गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। आज हम शास्त्रों और विशेष रूप से गरुण पुराण में बताए गए महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कुछ महिलाओं के दुर्व्यवहारों से माँ लक्ष्मी सदैव के लिए रूठ जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती है। यदि आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो दोस्तों इन गलतियों को तुरंत सुधार लीजिए, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी के घर पर आने से कलेश कलह बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें व जान लीजिए कि आखिरकार ऐसे कौन से कार्य हैं जो घर की महिलाओं को भूल करके भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। याद रखें कि संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है व माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी निवास नहीं करती हैं। दोस्तों, दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए या फिर भोजन करते हुए तो अवश्य ही देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर पे मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं और मुख्य द्वार पर ही यदि महिलाएं रास्ता रोक करके बैठ जाएं तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ, साफ और सुंदर रखना चाहिए, जिसे माता प्रसन्न होकर घर में प्रवेश कर सके। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि यदि घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद में भी सोती ही रहती हैं तो दोस्तों घर में आई बरकतें भी चली जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठते ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप भी करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या फिर हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें। अगर ऐसा ना भी कर पाएं तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर ही रखें। इसके साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसें। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूर्त मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यधिक कटु और कलेश प्रदान करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही कहीं ना कहीं शिकायत करना और मनमुटाव जैसे अलगाव की स्थितियां पैदा होने लगती हैं और जिस घर में पति और पत्नी के बीच में सदैव कलेश बना रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं
बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि वैभव सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लग जाती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखें। इससे दोस्तों आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और वो आपके घर से कभी भी नहीं जाएंगी। याद रखें, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये बात पुरुषों के लिए भी लागू होती है, क्योंकि दोस्तों वास्तु का नियम महिलाओं के लिए भले ही थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि ईश्वर भी इस बात को जानता था कि केवल महिला ही उनकी शर्तों पर उतर सकती हैं, लेकिन पुरुषों को भी उनका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहा कर आते हैं और बालों में तेल लगा लेते हैं, कंघी कर लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं, कंघी करते हैं, तो दोस्तों आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि तेल को शनि का सूचक माना गया है। और जब आप बालों में तेल लगा करके पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आप सारी दृष्टि से भी दोस्तों शारीरिक दृष्टि से मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना ये है कि जब आप नहा कर आएँ तो पहले अपनी पूजा समाप्त कर लें और उसके बाद ही बालों में तेल लगाएं, या आपको तेल यदि लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा लें, उसके बाद ही स्नान करें, उसके बाद आप अपने बालों में कंघी करें और फिर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रखती थीं तो अपने बालों में तेल नहीं लगाती थीं, किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में यदि शामिल होती भी थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थीं। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं, इसी वजह से लोगों के घर में कई सारी समस्याएं हैं और समस्याएं भी दूर नहीं हो रही हैं, क्योंकि उपाय आप कितने ही बड़े बड़े क्यों ना करते चले जाएँ, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को यदि नहीं संभालेंगे, अपनी गलतियों को नहीं संभालेंगे, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।